क्योंकि अभी भी मेरा वीडियो पॉज बता रहा है। आई गेस आई एम बैक। तो हेलो 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 हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और जैसा कि मैंने अभी 10 मिनट पहले ही बताया कि मैं आप सबकी प्यारी सी चाची को लाइव लेकर आ रही हूँ, क्योंकि चाची आप सबके घर आ रही है ठीक 10 मिनट बाद। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले आप लोगों से मिला जाए, आप लोगों से कुछ बातें की जाए, एंड देन उसके बाद आप सबको अपनी टीवी खोलना है। अभी से ही खोल के बैठिए क्योंकि बहुत ही प्यारी फिल्म अगले 10 मिनट बाद शुरू होने वाली है, जिसका नाम है चाची नंबर वन। तो हम वेट नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी यश जी को, आप सबके चाची को, लेट मी ट्राई, आई एम कॉलिंग हिम, आई डोंट नो, मैंने कोशिश, ही सेड हाय। हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। बेटा आप नहीं दिख रही हो, बेबी प्रणाम, सदा सुहागन रहो। अच्छा चलिए, ज्यादा बातें नहीं, 10 मिनट बाकी है, मुझे फिल्म देखना है तो। लेकिन मुझे आप नहीं दिखाई दे रही हो। मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ? नहीं। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं विजिबल हूँ। इट्स ओके अगर इनको मैं नहीं दिखाई दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों दीपक, को देखना जरूरी है। दीपक जी हैं जो पूछ रहे हैं कि कौन से चैनल पे देखना है। भोजपुरी सिनेमा चैनल लगाइए दीपक जी, भोजपुरी सिनेमा चैनल है जिसपे अभी अभी हमारी फिल्म चाची नंबर वन टेलीकास्ट होने जा रहा है 5 बजे से। और मुझे यूं तो आप लोगों ने बहुत सारे रोल में देखा है, बहुत सारी चीजों में देखा है, पर इतना कहूंगा कि ये फिल्म बड़ी खास है। पहली बार मैं चाची बनकर के आया हूं, तो कुछ कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। वेरी ऑनेस्ट, ये लुक आप क्रेडिट दे सकते हैं बाय द वे इस लुक को फाइनल करने के लिए कि किसने यू नो किया था। किसने मेहनत, ऑफ कोर्स आपने फाइनल किया था। आप लोग चाची नंबर वन के उस लुक को देखेंगे तो कमाल का है। अच्छा अमित भैया को जोड़ो ना, अमित शुक्ला जी को, जो चाची के दीवाने हैं। आई डोंट टाइप तो नहीं कर सकते, मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अमित भैया, अमित भैया अगर मुझे आप देख रहे हैं, अमित जी अगर मुझे देख रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, बिकॉज यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसे ग्रुप वीडियो कॉल या ऐसे चैट किया नहीं है इंस्टाग्राम पे। एक बार ऑप्शन देखो, 100% ऑप्शन होगा आपकी तरफ से। इट इज नॉट शोइंग मी, वो लाइव वाले को दबाओ ना, लाइव वाले को दबाओ। किया तो उसमें ऑप्शन नहीं, यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे लोग, माफ कीजिएगा अभी किसी का हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल से उन्होंने भी 5 मिनट के लिए शूट रोक करके आए हैं लाइव। और क्या मैं अटक रही हूँ? नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है और बहुत क्लियर आ रही हैं आप। नहीं एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब मैं रिलेटिव के घर आई हूँ, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है नेटवर्क को लेकर के। हाँ ओके, तो यही आप अमित जी अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए, बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है यहाँ से रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। हाँ, वो लाइव भी तो होने चाहिए। मनोज भैया, मनोज टाइगर जी कहाँ हैं? शूट पे हैं। हमारी प्यारी सी जो हीरोइन है रक्षा गुप्ता, वो भी एरोप्लेन में है, तो वो अभी तो नहीं। हाँ रक्षा से बात हुई थी, रक्षा तो फ्लाइट में है। हाँ तो रक्षा कोशिश करेंगी 5:30-6 बजे के लगभग लाइव आने की, बट डिपेंड करता है नेटवर्क कैसा। अमित भैया लाइन पे हैं, निकू आई डोंट नो, आई कांट सी हिम, बट वो बोल रहे हैं कि मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। अमित भैया वो रिक्वेस्ट वाले में देखो, अमित शुक्ला जी हैं 1981, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है एक्चुअली। मैं तो अभी तक सोचती थी 93 के हैं। 93 का मैं हूँ, सॉरी नहीं 93 नहीं। वापस से भेजिए, पता नहीं ऑप्शन है, आप अगर ऐड कर सकते तो आप कर दीजिए। मैं नहीं कर सकता ना, आपके लाइव पे मैं जुड़ा हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा तब तक आप बात तो बताइए, मैं कोशिश करती हूँ, आप तब तक बातें कीजिए। ठीक है, अच्छा मनोज भैया को भी जोड़ लीजिए, मनोज टाइगर जी को।
मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे लिए ये फिल्म इतनी चैलेंजिंग थी। आप देखिए, दाढ़ी वाला एक बंदा जिसकी मूछें हैं, दाढ़ी है, सब कुछ है, और वो आदमी चाची बन रहा है। और बड़ा मुश्किल था, रोज करीब करीब 1.5 घंटे 3 घंटे लगते थे मुझे मेकअप मेकअप करने में। अच्छा, कौन आए तो हैं लाइव खुद हमारे साथ? किसको मनोज जोड़ा है? भैया मनोज आएंगे भैया को एक जोड़ा साथ। कि अमित भाई? मैंने तो चेहरा मतलब दिखाइए, किसको जोड़ा है भैया हमने? चेहरा दिखाइए, आपके चेहरे का दीदार करना है हमें। मनोज भैया हैं। हाँ मुझे भी भाई, हेलो, हेलो, कैसे हैं आप हाल भैया? चाल भैया? बहुत बढ़िया। निधि भी है? अरे अमित भैया को जोड़ी, मैं भी अमित हूँ। भैया को भी जोड़ो यार, कैसे जोड़ना है? नहीं हो रहा है मुझसे, उनका नाम ही नहीं अमित शो जी कर को, रहा है। अमित शुक्ला 1981, ना, इट इज नॉट शोइंग बाबा। जब चाची तक आप नंबर लोग वन। बात, अमित आप लोग, अभी आप देखो, लोग अमित जी ने भेजा, कमेंट किया, चाची नंबर वन। कमेंट देखो भैया कहाँ है। मनोज भैया गोंडा मैं गोंडा बलरामपुर। बलरामपुर में है। आप लोग मनोज भैया का रोल देखेंगे ना तो बॉस, एक चाची को नहीं, देखकर के जो इनके अंदर बहुत ठरक, जो ठरकपना जगह है ना, वो ठरकपना आप देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे इनके हाँ, ठरकपने पे। तो भाई ऐसा, जब ऐसा चाची रही तो फिर आदमी ठरकी हो ही जाए। अच्छा, सच अमित जी भी में आ गए हैं, मिल गए शायद फाइनली। अमित जी मिल गए। हाँ, तो ये लाओ जो है, भाई। ये हमारी चाची के दोनों वाह वाह दीदार वाह वाह वाह, ठरकी मनोज भैया नहीं मतलब फिल्म में। ए भैया, तू कम ना तो हुआ। यस, हाँ, अरे भाई, चाची को देख करके जो ठरकपन इन लोगों के अंदर से निकला है ना, वो कमाल है। वेरी ऑनेस्ट, अच्छा एक पॉइंट पे मुझे भी जलन हो जाता था कि इतनी सुंदर चाची कैसे लग सकती है कोई। मैं हाँ, बहुत बिल्कुल। कंफ्यूज थी 10 दिन तक, यू नो, व्हाइल शूटिंग विथ हिम। मैं तो बोला कि यश भाई काश लड़की होते भैया हो, इतनी सुंदर चाची पहनी थी लेकिन। पोस्टरवा जितना शेयर भइल बा, यूपी बिहार के जितना चाचा लोग बालो, बहुत जनी इनबॉक्स में आके मैसेज करे रहे कि क्या आप साड़ी में सच में इतने सुंदर लग रहे हैं, एक बार रियल में देखना चाहते हैं। अब बता रहा हूँ, रियल में अच्छा किसके भाई, किसके ना दिखाएंगे साड़ी पर? हाँ कहते हैं कि कुछ दिन हमारे यहाँ भी पधारिए। अच्छा है भैया। खैर, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाई है, और मैं चाहता हूं कि जितना जनी हम उनके देखा तारा भैया, समस्त लोगों के एगो निहोरा बटे, एगो रिक्वेस्ट बटे कि आप लोग चाची नंबर वन फिल्म देखिए। ये महान महान कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, दिग्गज कलाकार हैं ये लोग, और इन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में एक बड़ा सुखद अनुभव रहता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मनोज भैया हो, अमित जी हो, इन लोगों के साथ हमेशा कैमरा शेयर करने को मौका मिले। जब आपके सामने बहुत अच्छा एक्टर रहता है ना, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं आप दबे ना, या कहीं ऐसा ना हो कि वो मजा ना आए जो जो क्रिएटिविटी है इसमें। देखिए, अमित जी हैं, मनोज भैया हैं, रक्षा गुप्ता इतनी प्यारी हमारी अभिनेत्री है, वो अभी फ्लाइट में है, वरना उसको भी जोड़े होते। सीपी भट्ट ने बड़ा कमाल का काम किया है, राधे ने बड़ा कमाल का काम किया, इस फिल्म के हर किरदार ने बड़ा अच्छा काम किया है अपने आप में, मैं इसका वाकई। प्लस था कि माहौल, मतलब ये सिनेमा करते वक्त, जैसे मैं अमित भाई के साथ भी हमने सिनेमा और साथ में किया है, लेकिन इस सिनेमा की जो एक बात ये थी कि मैं अब फील करता हूं, जब मैं शूटिंग से चला आया करके, तो मुझे लगा कि हाँ, कौन सा सीन कब हुआ और कैसा स्मूथली काम निकल गया, मुझे समझ पता ही नहीं चला। जी और जी किसी ने जी कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की कि नहीं, हम आप सीन आया है जैसे हम अमित अमित भाई का हाँ, रूप। ये सबसे, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ये सबसे अच्छी बात है कि आप तो मतलब उसी में महारत है आपकी, और मैं और यश भाई तो अपना मेहनत और अपनी तरफ से एफर्ट और मेहनत किए जा रहे थे, बट आप तो उसके महारथी हैं। लेकिन आपके इसका साथ प्लस काम यही करके है, मतलब बिल्कुल बहुत इस स्मूथ फील सिनेमा का हुआ, प्लस मतलब मुझे यही इजीली लगता है। कॉमेडी टाइमिंग पंचलाइन जो निकलता था। हाँ, मुझे याद है जब ये पुट फुम करते थे ये, तो उस वक्त इसको लगता था, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है ना, इतना बढ़िया लगता है कि
और अरे मनोज भैया, आप हाँ दोनों लोगों की जो कव्वाली बनी है ना, आप दोनों हाँ लोगों की जो कव्वाली है वो तो अल्टीमेट है। दोनों लोगों की कव्वाली जो चाची के लिए कर रहे हैं आप लोग। सच में बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी। और और अच्छा, लोगों का ये आपका भी कहना, थोड़ा भोजपुरी में भी बात कर लीजिए। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, ये तो भाई भोजपुरी यार, बिल्कुल सब सही। खाटी भोजपुरिया के बाद अमित भैया खाटी भोजपुरिया का, एक भाई खाटी भोजपुरिया, हम भोजपुरिया से लगले बानी एकदम, तो बिल्कुल बात होने की चाहिए। हम तो चाहे नहीं कि ऐसा लोग मिले जरा से हमन के कंटिन्यू भोजपुरी में बतियावल जाए, लेकिन विडंबना बतियावल जाओ। कहेला चाहे हाँ जोन भी कहेला कि क्यों बतियाबे ना करेला। बस अच्छा है चार कि मिनट बाहर और जाने मैं ना, बस अभी आप लोग, बाहर। बस हाँ क्योंकि 4 मिनट बाकी है, तो आप लोग बता दीजिए कि क्या हाँ आने अपना वाला अपना है मैसेज दे फ्यूचर दिया में। जाए। हाँ क्या भैया, क्या पहले हम बोल लेते नहीं। हाँ हम सबसे बड़ बात एक कि हमरा खातिर बड़ा चैलेंजिंग रहा है, क्या कि मनोज भैया तो ना, पहले मराठी मनोज, बनाम पहले कॉमेडी। हाँ मनोज भैया बोलिए, पहले मनोज भैया। पहले मनोज भैया बोलिए। ना हम ही देखिए, हम ही कहल चाहब कि सिनेमा तो हमने बहुत कहले हैं, 300 सिनेमा के ऊपर हो गए लो, लेकिन कुछ सिनेमा ऐसा होला जौना के शूटिंग में भी बहुत मजा आवेला, और शूटिंग के बाद जब पिक्चर बन के आवेला तब भी लगेला कि कुछ अलग हो। ये सिनेमा में हमें ना से कहब कि और आप सब लोग इंतजार है अपना हम। टीवी खोल ला, लोग टीवी खोल ला काहे से कि अब सिनेमा शुरू होके वाला बा, भोजपुरी सिनेमा पे सिनेमा शुरू होके वाला बा। भैया आज कोनो काम मत करा लोगन, आज सिनेमा देखा, आज तुमके लागी कि एक आदमी, एक पिक्चर के हीरो ऐसा हो कि जे सच में लागे लागे लड़की हो तो हो, ठीक है। लड़की अरे जब रियल अमित लाइफ जी, में कई बार टीवी और इनसिक्योर हो अमित सकता है, जी बाकियों का और अमित क्या। जी का जो रूप हो, लागेला कि कितना बुढ़वा खैरकी आदमी है, बाप रे बाप, ये कहाँ कितना ठड़क छुपौले हो अपने जिंदगी में ही, आज फिल्म दिखा रही, आज का सपना टूटेला, तेन का ये सपना टूटेला भैया, तेन का चेहरा देखे लायक रहेला वो घड़ी। लेकिन चारवा तोहरा उतर गया है भैया। हाँ मनोज जी हमारा चारवा गुरु बानी एकदम। तोहरा उतर गया लंदन से चाची खातिर उड़ के आ गई बनी, ऐसे बड़ बात का हुई। हम तो लाल लाल इंडियन रह की तो रहे। भाई। अब अमित भैया कुछ बोलिए, अमित भैया। हाँ ये बात बार की हमारा खातिर ज्यादा चैलेंजिंग रहे। और मतलब ऐसे कि बहुत डिस्कशन भइल यश भाई हमारा बीच में। आयुष भाई पहले ही से बोल दल रहे कि मनोज भैया भी बाढ़ तो और भी दिमाग में चलत रहे कि हाँ का मतलब एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेरिमेंट कर जाओ। तो हमने के बहुत मतलब लगभग आयुष शूटिंग से को भी पहले भी या बोलना शूटिंग के टाइम थोड़ा। बहुत डिस्कशन भई रहा है। आप हमने के इतना मतलब उस समय एक तो फैमिली स्टाइल में एकदम इजिली स्मूथ वे में हमने के जो काम करनी जा ओमे जो मजा आई। ओकरा अलावा जिस तरह के टफ रोल रहे यश भाई खातिर भी हमरा खातिर भी। अब मनोज भैया तो इसमें महारथी हैं, हमनी खातिर ज्यादा टफ रहा है। ना तो हम इधर लेकिन सच कहब, पहले के बाद हम इतना मजा आया कि हाँ जी भैया लोग अपना सिनेमा चावल उखल लीजिए, क्योंकि सिनेमा शुरू होने वाला है। अच्छा हाँ मजा दूसरी आएगा। चीज, दूसरी चीज, जे केहू भी अगर कोनो वजह से आज ना देख पावे तो काल सवेरे 10 बजे फिर से चैनल पर रिपीट होई भोजपुरी सिनेमा पर। यह फिल्म चाची नंबर वन काल 10 बजे फिर से दे, फिर रघुआ सभे देखा। बरवालेंगे हाँ बस टीवी पर भोजपुरी सिनेमा अभी ऑन करी, अभी फिल्म स्टार्ट हो चुकल बा। जी, अब हमहू के इजाजत नहीं, हमहू मुझे जाता नहीं फिल्म लगा करके देखे, हम तो बानी शूटिंग पर, लेकिन भाई ऑनलाइन देखा भैया फिल्म यहाँ। उम्मीद है, दर्शकों से प्यार है, दर्शकों से निवेदन है, निहोरा है, प्लीज इस सिनेमा को पूरा देखिए प्लीज, और लोगों को आप अपने नात वात रिश्तेदार में भी खबर दे दीजिए। अरे और जब आप हमारे लोग देख बिल्कुल एक सेकेंड, जब फिल्म के हीरोइन और दो हीरो बोल रहे हैं, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, रक्षा वी लव यू, बट यस ये भी सच्चाई है कि हमारे फिल्म के दोनों हीरो और ये हमारी हीरोइन चाची बहुत ही कमाल का काम किए हैं, और आप लोग हंस हंस के, सच्चाई है आप सबका पेट दुखने वाला है, तो प्लीज जाइए और आप हाँ बेसिकली अगर इस फिल्म में पूछा निधि ने जाए, एकदम रियल सुनिए, रियल बात की। मैंने अगर इस सबसे 10 फिल्म में बार देखा बोला जाए तो रक्षा हीरो को, कौन है? रक्षा हीरो तो हम लोग हैं, हीरोइन यश भाई हैं, तुम क्या कर रही हो इसमें? मैं वही बोल रहा था कि इस फिल्म में हीरो जो है वो आप लोग हैं, हम तो हीरोइन हैं। सही बात, सही बात, लव यू एकदम सही। रक्षा, हम
रक्षा ने भी बहुत प्यारा काम किया रक्षा। और हमारे डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव को भी ढेर शुभकामनाएं उस बंदे के बहुत सारी बधाई संजय भाई को बहुत 100% कमाल का कमाल काम किया उन्होंने काम निकाला तो चलिए कमाल काम किया संजय भाई। अच्छा आप लोग जितने लोग देख रहे हैं फिल्म को देखने के बाद एक एक स्क्रीनशॉट लेकर के मनोज भैया को अमित जी को मुझे और निधि जी को सबको टैग करिएगा आप लोग ताकि हमें पता चले आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं हम उसे अपने स्टोरी पे शेयर करेंगे। बिल्कुल करेंगे और आप लोग और साथ में कमेंट भी जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को कौन कौन से सीन और पूरी फिल्म कितना आपने एंजॉय किया और कौन कौन से सीन ज्यादा आपको मतलब हंसाए गुदगुदाए और आप लोगों को एंजॉय दिए। जी 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 वो जरूर लिखिएगा। ओके थैंक यू मनोज भैया थैंक यू अमित जी थैंक यू इतने बढ़िया फिल्म में आप लोगों ने अपना सहयोग दिया थैंक यू हमारे सभी लव यू चलिए बाय।